हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नोट्स हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, बायो के भी 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं, जो कि स्पेशली फर्स्ट टर्म के सिलेबस में कंसिडर किया जाता है। तो उसी में हम आज से शुरू कर रहे हैं आपका फिजिक्स का। तो फिजिक्स को हम लेकर चलेंगे, जो भी आपका फर्स्ट टर्म 10, 11, 12 जो भी चैप्टर है उसको पहले लेकर चलेंगे। उसके बाद फर्दर हम दोबारा से अपने केमिस्ट्री में वापस जाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द लाइट। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक क्या है, एक एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके पास किस टाइप के वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इसकी वजह से इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कहाँ पर होती है, तो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि एयर भी मौजूद नहीं होता, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। और वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होती है वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये वैसे तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इसको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और इस साल क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो। हर एक चीज़ को आपको कवर करना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जब भी लाइट जो है सरफेस पे पड़ता है तो 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या तो क्या होगा, उस लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, या तो फिर क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या फिर क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो लाइट जब भी सरफेस पे पड़ेगा तो ये 3 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं सिलेबस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपली क्या है कि लाइट का बैक हो जाना व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब भी वो किसी भी पॉलिश सरफेस के टाइप के मिरर पे जब वो लाइट जाती है तो जो बाउंस बैक होकर आ जाती है दोबारा से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी आपका एंगल होगा इंसिडेंस का, उतना ही होगा रिफ्लेक्शन से। मतलब कि अगर एंगल इंसिडेंस का एंगल आपका जितने भी एंगल से आएगा, तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों जो होते हैं आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम बात करें तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होता है, आपका इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दो तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो जब भी आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे ना, तो आपको साथ के साथ इस चीज़ को, इस मतलब इस डायग्राम को भी दिखा दोगे तो काफ़ी बेटर होगा। अब उसके बाद जब वहाँ पर बात आ गई मिरर की, तो जब मिरर आई है तो इमेज तो बनेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमेज क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मी। इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम 2 लाइट के रे या तो मतलब एक्चुअली में मीट कर जाते हैं, या फिर हमें ऐसा फील होता है, अपीयर होता है कि वो मीट कर गए। तो उसी के बेसिस पे आपको इमेज 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक आपका रियल इमेज है, दूसरा आपका वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज आपका कब होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रे एक्चुअली में मीट करते हैं तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और जब आपकी जो लाइट रेज अपीयर टू मीट होता है, सर लगता है कि वो आपका मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, जबकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। एक रियल इमेज जो होता है हमेशा आपका कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इन्वर्टेड एक जो पॉइंट आया है, इस चीज़ को हम भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका बेसिकली इन्वर्जन क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कि जो भी आपका वर्चुअल इमेज होगा वो आपका क्या होता है, इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा बनता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रियल इमेज को, हम क्या अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, तो जो भी इमेज सिनेमा स्क्रीन में बनती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, जबकि जितने भी मिरर पे आपके इमेज होते हैं वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है।
उसके बाद हम चलते हैं कि आपके जो प्लेन मिरर जो हम घर पे यूज़ करते हैं, तो प्लेन मिरर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आपके जो प्लेन मिरर में हमेशा जो आपका, अगर हम बात करें तो उसकी इमेज जो होती है वर्चुअल होती है, और हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। आपकी जो इमेज की साइज़ है वो आपकी ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि जितने दूर आप मिरर में इस साइड रहोगे, उतना ही दूर आपको इस साइड भी आपको फील होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में जितनी भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो आपका राइट साइड को दिखता है। जब भी आप ना फेस देखोगे तो आपको जो लेफ्ट वाला है, लाइक ना आप कभी भी मिरर में जाकर खाना खाते हुए या पेन चलाते हुए देखोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको उसमें ऐसा लगेगा कि हम अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो। यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चारों बहुत अच्छी तरीके से याद करने आपको, कि प्लेन मिरर से जितनी भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मतलब आभासी और सीधी होती है, और जो आपका इमेज का साइज़ होता है वो इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है। इमेज आपका उतना ही दूर में बनता है जितना आपका मिरर के आप फ्रंट में खड़े हो, और उसके बाद जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे आ गया कि लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। मतलब कि जो भी आपका राइट साइड है वो कैसा लगता है आपका, कि लेफ्ट साइड है या फिर वाइस वर्सा, मतलब कि लेफ्ट वाला राइट लगता है, राइट वाला लेफ्ट लगता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लिटरल इन्वर्जन। तो ये तो हमारी बात थी प्लेन मिरर की, जहाँ पर हमने कवर कर लिया कि प्लेन मिरर क्या है, जो अपने घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, तो वो हो गया। लेकिन आपके यहाँ स्फेरिकल मिरर आपका एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इसी को लेकर आपको सब कुछ पढ़ना है, आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसको लेकर क्वेश्चंस भी करने हैं आपको। तो स्फेरिकल मिरर इज़ अ मिरर विच हैज़ द शेप ऑफ पीस कट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। मतलब कि कोई भी आपका गोल सा सरफेस है ना, उसको आपने यहाँ से कट कर दिया तो, और यहाँ से कट कर दिया और इन चीज़ को क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक स्फेरिकल मिरर होगा। और इसी के बेसिस पे इसको हमने क्या कर दिया, टू टाइप्स को में डिवाइड कर दिया। एक आपका होता है कॉनकेव मिरर, जबकि दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आप इसके यहीं से हम समझ लेते हैं कि देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर की इमेज है और ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो आपका कॉनकेव मिरर है ये इस तरीके से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि पॉलिश वाला जो एरिया है वो इस साइड को है, ठीक है ना। तो जो भी आपका कॉनकेव मिरर है, लाइक आप इस साइड बना रहे हो, तो हमेशा जो उसका पॉलिश एरिया होगा किस आपका बाहर साइड होगा। ओके, अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो जब कॉन्वेक्स मिरर आप बनाओगे तो उसका जो सर पॉलिश एरिया होगा वो आपका किस साइड को होगा, उसके अंदर के साइड को होगा। तो इस चीज़ को ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में इस वजह से गलतियां कर देते हो, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको मेन रूप से इस चीज़ को याद रखना है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो इफ़ द मिरर कोटिंग इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब किसी भी स्फेरिकल मिरर अगर आउटसाइड में उसको पेंट कर रखा है, कोटिंग हुई पड़ी है, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है। कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या है, इफ द मिरर कोटिंग इज आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। और उसके बाद आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड होगा, यहाँ पर आपका स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और आपका इस मिरर को हम दूसरा क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब भी आप कॉनकेव मिरर बनाते हो ना, तो उसके बहुत सारे रे डायग्राम हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की तरफ, जो लास्ट में आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रे डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, क्योंकि इन रूल्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइक अगर आपका ये मिरर है, तो मिरर में कुछ इस तरीके से उसे होता है, लाइक अगर हमने कॉनकेव मिरर को यहाँ पर बना दिया, और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस होता है, ये आपका कर्वेचर होता है। तो उसके बाद आप इस चीज़ को ना बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, कि ये आपका जो कभी भी जो कोई भी रे पैरेलल एक्सिस की क्या आएगी, पैरेलल आएगी, मतलब आपका प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी अगर आपका रे पैरेलल आती है, तो वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से वापस होकर चली जाएगी। उसी तरीके से सेकेंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर कोई कॉनकेव मिरर है और वो सपोज क्या करो कि वो फोकस से आ रही है, तो क्या करेगी, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल चली जाएगी। तो ये दोनों रूल तो एक दूसरे के जस्ट
सेम ही हो गए लगभग। अरे लाइट ऑफ अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज़ नॉर्मली इंसिडेंट रे। और अगर आपका कोई भी जैसे आपका रे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे आएगा वो उसी तरीके से वापस भी चला जाएगा। तो ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है अरे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली मेकिंग इक्वल एंगल। और अगर कोई एंगल आपका इस तरीके से आ रहा है तो जितना एंगल बनाकर वो आएगा ना उतने ही एंगल से वो वापस चला जाता है। तो ये चार रूल आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए कि कोई भी अगर रे पैरेलल जो आपका पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, अगर फोकस से आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, सेंटर से अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वहीं से वापस चली जाएगी। जबकि आपका हम बात करें कि अगर एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे तो जितने एंगल से वो आप आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होके वापस भी चली जाएगी। तो यहाँ पर आप बात करते हैं रे डायग्राम जो कि आपका कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में छह सिचुएशन होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि एक बार जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, अनंत में रखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा। कभी भी आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे का मिलना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एटलीस्ट टू रे को कहीं पे इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वहीं पे इमेज हमारी फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारी ये रे आ गई, देखिए यहाँ से आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, फोकस से चली गई वापस, दूसरे रे को लिया हमने, यहाँ पर हमारा कट हो गया। इस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद आपको ना ये सारी चीज़ें भी लिखनी होती कि इस केस में क्या हुआ कि वो जो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनी, फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश बहुत ही छोटे साइज की इमेज बनी, इवन आप मान सकते हो बहुत ही स्मॉल साइज जीरो साइज इमेज बनी है, बट यहाँ पे क्या बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। जितनी भी इमेज आपकी जो मिरर है वो आपके इस साइड को बनने वाली है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को, तो वो सारी की सारी इमेज आपकी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इसलिए आपको टेंशन तो लेना नहीं है। तो इसको रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, कितने साइज़ की बनेगी वो आपको बताना, और कहाँ पे बनी, इन चार चीज़ को आपको बताना होता है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा दूर रखा, तब जाके उसके बाद भी हमने क्या करा, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया तो वहीं से आकर वहीं रिवर्स बैक हो गया, जबकि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो फोकस चला गया। तो हमारी जो इमेज है ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था जबकि हमारी इमेज थोड़ा सा छोटा बना है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि आपका ये कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। तो यही सारी चीज़ें हम लिखते हैं कि इमेज कहाँ पे बना है, फोकस और कर्वेचर के बीच में बना है, डिमिनिश बना है, ऑफकोर्स छोटा बना है, और रियल और इन्वर्टेड बना है क्योंकि आपका लेफ्ट साइड बना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट करेक्टली सी पे रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा जाएगा, यहाँ पर भी आप दो रे को लिया हमने, और उसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, तो इस केस में हमने पहला रे तो ले लिया वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से चला गया, जबकि दूसरा हमने फोकस से लिया और वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। तो जब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसा था, इमेज ऐसा बना, और हम क्या देख रहे हैं, लगभग इक्वली साइज बना है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो उसकी इमेज भी वहीं पर बनी है और आपकी सेम साइज़ की बनी है, और उसके बाद इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो बनी ही बनी है। नेक्स्ट है और सिचुएशन जो है आपका ऑब्जेक्ट जबकि हमने कहाँ रखा, एफ और सी के बीच में रखा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देखिए हमारी ऑब्जेक्ट का साइज़ और जो आपका ये इमेज का साइज़ आप देख रहे हैं कि आप बड़ा हो रहा है, और नॉर्मल जो रेस है वो तो आपको धीरे धीरे पता चल ही रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो आपकी इमेज सी के बाहर बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। अब फिफ्थ सिचुएशन में देखते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फोकस पे ही रख दिया। अब फोकस पे रखने के बाद आपकी यही सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपकी जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो आपका जो इमेज है वो फोकस पे बना था, जब फोकस पे रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन जाती है, और हाईली इनलार्ज हमें पता भी नहीं है कि ये कितने दूर में जाकर ये मिलने वाला है, और उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो इस तरीके से पहला तो हमने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, उसको हमने फोकस से वापस भेज दिया, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वहीं से वापस भेज दिया। तो दोनों कहाँ पे कहीं पे फिलहाल टकराई नहीं रही, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे इनका शायद से हो जाए। उसके बाद एक सिचुएशन जो होती है, एक ऐसा इकलौता ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें आपका जो इमेज है वो क्या बनेगा, राइट साइड को बनेगा, और यहीं पर आपके वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेंगे। तो उसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पर जब हमने फोकस लाइक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या रखा, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में रखा है, तो एक रे तो हमने चलो यहाँ से वापस भेज दिया जो आपका
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से चला गया, बट दूसरे को हमने कहाँ पे रखा है, दूसरे को हमने क्या करा, सेंटर जो ऑफ कर्वेचर है वहीं से वापस कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटरैक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसको डॉट डॉट लाइन में जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, यहीं पर आपकी जो वर्चुअल, और जब हमने वर्चुअल इमेज पढ़ा था तो उसमें यही था कि हमें क्या लगता है, सिर्फ हमें लगता है कि हाँ जो इमेज है फॉर्मेशन हुई है, बट एग्जैक्टली मतलब कि दो रेज जो क्या हुई है मिलती हुई प्रतीत होती है, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, तो ये आपकी है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है, हाईली इनलार्ज बना है, काफ़ी बड़ा बना है, उसके बाद उसकी वर्चुअल और इरेक्ट। तो जब भी इमेज आपकी क्या होगी राइट साइड को बनेगी, तो वहाँ पर जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट मानी जाएगी। उसके बाद रे डायग्राम, अभी तक तो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम, अब कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा आपको नहीं है, सिर्फ 2 रे डायग्राम ही पढ़ना है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहला तो सिचुएशन वो जबकि हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी पे रखोगे और क्योंकि आप तो इस बार कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर में सारा का सारा पॉलिश्ड एरिया आपका इस साइड को है, तो यहाँ पर जो आपका फोकस होता है ना वो इस साइड को ही रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरीके से आता है, तो इसलिए आप इसमें इस साइड को वापस तो कर ही नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स इस वाली सिचुएशन में जितनी भी इमेज बनेगी वो किस में बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर जैसे हमारा फोकस से आया, तो फोकस से फोकस से नहीं, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो वहाँ पर हम फोकस से इसको वापस भेज रहे हैं, तो ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर की सारी सिचुएशन है। तो हमने दो को करवाया, हमारी इमेज तो फोकस भी बनी है, बट यहाँ पर हम बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, और इमेज तो वैसे भी आपकी छोटे साइज़ की बनी है, मतलब एकदम स्मॉल साइज पॉइंट साइज की इमेज बनी है। अब दूसरी सिचुएशन बस इसमें ये आती है कि आप ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखना है, पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं पर भी रख दोगे, तो जब भी आपकी जो इमेज है ना वो हमेशा आपकी क्या बन जाएगी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन जाएगी, जो और काफ़ी डिमिनिश मतलब कि इमेज जो है आपकी छोटी ही बनेगी जितना भी आप रखोगे, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट देती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो आपका जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हो तो उसमें हमेशा जो इमेज है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो इसके लिए इसके यूजेस को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन रे डायग्राम की ना एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस तो करके ही रहना है, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जिस तरीके से आप बनाओगे ना तब आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ हम टॉर्चेस में, सर्च लाइट, व्हीकल्स के जो हेड लाइट होता है ताकि हम पावरफुल बीम ऑफ लाइट ले सकें, तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट भी करता है, सो दैट कि वो पेशेंट के जो टीथ हैं उसको उसके लार्ज साइज को देख सके। कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ताकि आप ये सोचो ना कि जहाँ पर भी ना हमें बड़ी सी इमेज देखनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। उसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेसेस जितनी भी होती हैं, तो वहाँ पर भी हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर, मतलब जितना बड़ा आपका सोलर फर्नेस होगा उतना ही बड़ा आपका कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ आपको याद रखना है टॉर्चेस में, और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, इसके अलावा शेविंग मिरर में यूज़ होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज़ होता है, और उसके अलावा जितने भी सोलर फर्नेसेस है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो है आपको यूज करते हो हमेशा, हम रियर व्यू ऑफ मिरर जो हम जब भी कार में होते हैं तो जो पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए जो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत सारी मतलब कि चीज़ों को बहुत छोटे से मिरर में चीज़ों को दिखा देता है, और सबसे बड़ी बात कि जो इमेज देता है कैसा देता है, इरेक्ट देता है, सीधा देता है, तो इस चीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, और वाइडर व्यू बहुत दूर तक का हमें दिखता है उसमें, तो इस वजह से हम उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में आता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रियर व्यू हमें हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे का दोनों रीज़न आपको देना है, क्योंकि वो इरेक्ट देता है, उसके अलावा वाइडर व्यू हमें दिख पाता है। कॉन्वेक्स मिरर का हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ब्लाइंड टर्न्स ऑन द पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ कि बोथ साइड ट्रैफिक को देखने के लिए। इसके अलावा शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे ये जो चैप्टर है थोड़ा सा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ही लेंथी है, तो अभी हमने हमारा फर्स्ट पार्ट में इतना कवर कर लिया, बाकी सेकेंड पार्ट में अभी हमारा हम मिरर फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद लेंस को लेकर सब कुछ करोगे, और रिफ्रैक्शन भी होगा, सब कुछ वो जो हम करेंगे, कोशिश करेंगे सेकेंड पार्ट में कवर हो जाए, बाकी देखते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।